A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I am Sumita Panigrahi, and on behalf of the whole Education family, I welcome you all to today's class. I am teaching you science, class 10th, and we are reading chapter 3, that is metals and nonmetals. And this is your fourth part. Okay? I've already taught you first three parts, and if you haven't watched any of them, you can go to the playlist and search and view it. Okay? So first of all, watch those three and then come to this one so that it will be very easier for you to understand. Okay, so let's see. But before starting the class, let me remind you that eTuition is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from the Play Store. Okay, so let's see what we are going to discuss today. Today we are going to discuss the reactivity series of metals and how do metals and non-metals react. Okay, so let's see. So first of all, you must have read about reactivity series. मेरे को बता सकते हैं कि reactivity series क्या होता है? Reactivity series of metals. Okay, metals and non-metals के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं. हम 8th standard से in fact पढ़ रहे हैं. लेकिन मतलब reactivity series से आपको समझ में क्या आता है? कोई बता सकता है मेरे को? इट्स वेरी इजी. रिएक्टिविटी सीरीज से यही पता चलता है कि कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट जो है या कौन सा पर्टिकुलर मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है. रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब है आइदर कम मतलब ज़्यादा से कम रिएक्टिव या कम से ज़्यादा मतलब किसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है, मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं. ओके, इट सिंपली डज मीन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. फाइन. ओके, सो नाउ हम इस पर्टिकुलर पिक्चर से देखेंगे कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है. फर्स्ट इज पोटेशियम. पोटेशियम जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है. फाइन, उसके थोड़े से कम है सोडियम, दैट इज एन ए. दैट्स वाई दिस थिंग्स आर स्टोर्ड इन केस ऑफ योर किरोसिन इन ऑर्डर टू क्या प्रिवेंट कन्वर्जन. ठीक है, पोटेशियम और सोडियम को जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है. इसीलिए इनको कहाँ रखा जाता है, इसीलिए इन्हें रखा जाता है आपके किरोसिन में स्टोर किया जाता है, क्योंकि जैसे ही वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा आग पकड़ लेगा. ठीक है, सो दीज टू आर वेरी रिएक्टिव. नाउ लिथियम. लिथियम इज अ बिट लेस रिएक्टिव. नेक्स्ट कैल्शियम थोड़ा, मैग्नीशियम और थोड़ा, एल्यूमिनियम कम और कार्बन बहुत कम. तो ये कार्बन से लेकर पोटेशियम तक, कार्बन सबसे लीस्ट रिएक्टिव है और पोटेशियम सबसे ज़्यादा. ठीक है, फिर वैसे यहाँ पे भी लीस्ट रिएक्टिव आया, फिर से नीचे वाला टेबल है. नेक्स्ट प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूम, हाइड्रोजन, आयरन एंड जिंक. ठीक है, लीस्ट रिएक्टिव. तो ये वाला सबसे लीस्ट रिएक्टिव है, प्लैटिनम इस तरफ आप देख पा रहे हो, और ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है. ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस. सो अरेंजिंग ऑफ मेटल्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. यानी कि बड़ा से छोटा आप जब रिएक्टिव सीरीज में उसको लगाओगे कितना किसका ज़्यादा रिएक्टिविटी है, बड़े से लेकर छोटे मतलब ज़्यादा रिएक्टिविटी से लेकर कम रिएक्टिविटी को, उसी को बोलते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. सबसे ज़्यादा कौन है पोटेशियम और सबसे कम कौन है प्लैटिनम इन दिस पिक्चर. ओके, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. ओके, रिमेंबर दिस. ऑल राइट, नाउ दिस अगेन हाउ टू रिमेंबर द रिएक्टिविटी सीरीज. अब आपको याद कैसे करना है? सो दिस इज अ वे थ्रू विच यू कैन ईजिली रिमेंबर, अ फन वे ऑफ लर्निंग. ओके, सो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हमें ऑलरेडी पता है पोटेशियम है, और सबसे कम यहाँ पे गोल्ड है. ओके, ठीक है, वेरी नाइस. तो हाउ कैन वी रिमेंबर? वी हैव टू रिमेंबर द फर्स्ट लेटर्स लाइक पी पोटेशियम, इसको के से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इट इज़ अ वे थ्रू विच यू कैन रिमेंबर लाइक हु इज़ मोर रिएक्टिव एंड बाय कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सबसे ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव है. लेट्स सी. सो पोटेशियम को प्लीज बोला गया यहाँ पे, सोडियम को स्टॉप, कैल्शियम को कॉलिंग, मैग्नीशियम का मी एम लिया गया है, मी, एल्यूमिनियम का ए, कार्बन का केयरलेस. ठीक है, लेट्स सी. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड. सो इसके थ्रू आप रिएक्टिविटी से क्या कर सकते हो, यहाँ पे प्लीज से पोटेशियम, स्टॉप से सोडियम, कॉलिंग से कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम, ओके, ए से एल्यूमिनियम, केयरलेस से कार्बन, ज़ेब्रा से जिंक, इंस्टेड से आयरन, ट्राई से टिन, लर्निंग से लीड, हाउ से हाइड्रोजन, कॉपर से कॉपर, सेव से सिल्वर एंड गोल्ड से गोल्ड. ओके,
Please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves coal. So, if you remember this particular, मतलब आप भी अगर learn कर लोगे कि ये जो याद कर लोगे, रट लो in other terms, तो इसका पहला जो letter है, उसी से आप elements को लिख सकते हो. Like instead of remembering potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, ये इसके जगह आप ये भी ऐसे के थ्रू में भी इंटरेस्टिंग वे में लर्न कर सकते हो अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है तो. ओके, व्हाट इज इट सेज, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड. ओके, इफ यू रिमेंबर दिस, उसका पहले लेटर से आप पी से पोटेशियम, सी से कार्बन, ये सब गेस कर सकते हो केयरलेस से. ठीक है, ओके, वेरी नाइस. नेक्स्ट, नाउ हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं कैसे रिएक्ट करते हैं देखते हैं. तो मेटल्स क्या होता है, जो भी मैंने शायद 9th में आपने पढ़ा होगा कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट जो होता है वो कब पॉजिटिव चार्ज होता है, वो तब पॉजिटिव चार्ज होता है जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. ठीक है, तो मेटल्स का क्या होता है कि मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम पॉजिटिव आयंस, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जाता है इसका मतलब प्लस साइन ये बताता है कि यहाँ पे ऑलरेडी एक वैकेंसी है तो आप चाहो तो आ सकते हो. तो वैसे मेटल्स एक लूज करता है इलेक्ट्रॉन और वो पॉजिटिव आयन बन जाता है. सो दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, और हम मेटल्स को क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम पॉजिटिव आयन्स. ओके, यानी कैटायंस बन जाते हैं. नाउ अगेन टेक एन एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम कितना होता है, 11. ठीक है, एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है 11. अब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है. यू ऑलरेडी नो हाउ टू राइट इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू हैव टू राइट इन द सेल ऑफ 4, दैट इज 2882 और समथिंग लाइक दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट शेल में हम दो ही रखते हैं, एस में, एस पी डी एफ के थ्रू ही रखा जाता है, आपको पता होगा. तो एस में दो रहेगा, पी में मैक्सिमम रहता है 8, उसके बाद फिर आ जाता है डी में मैक्सिमम 8, और फिर उसमें भी उसमें कितना रहता है, 2, 8, 8, 16. ठीक है, ठीक है, चलो. तो यहाँ पे क्या हो गया, तो एटॉमिक नंबर 11 है, यानी पहले एस में आ जाएगा 2, वो पूरा फुल हो जाएगा, बच गया 9. सेकंड में पी में ऑलरेडी मैं डालूंगी 8 मैक्सिमम है 8, तो बच गया मेरा कितना हो गया 1, और उसके बाद थर्ड शेल में आई बी पुटिंग 1. सो हियर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सोडियम विल बी 2, 8, and 1. नाउ अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है तो ये 2, 8 बन जाएगा, सोडियम आयन बन जाएगा. अब सोडियम आयन बनेगा और अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका साइन हो जाएगा Na+. नाउ हाउ आई विल बी राइटिंग इट, Na विद एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8, and 1, व्हेन लूजेस वन इलेक्ट्रॉन बिकम्स Na+. ओके, सो यहाँ लिखा जाएगा Na, जो कि 11 था, इसमें कोई चार्ज नहीं था, अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये हो जाएगा Na+ बन जाएगा, राइट. तो Na+ + 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि Na+, यानी एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जब आएगा तभी Na बनेगा. ठीक है, Na कब था, जब कि 2, 8, 1 कॉन्फ़िगरेशन था. अब मैंने अगर एक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन अगर चला जाता है तो मेरे पास क्या बच जाएगा, Na+ हो जा रहा है. अब ये Na+ हो जाने के बाद अब क्या मिलाऊंगी जो मैं इसमें Na हो जाएगा, फिर से मेरे को एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, राइट. सो दैट देन इट विल बी बिकमिंग 2, 8. ठीक है, 2, 8, 1. सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट, नो शॉर्टकट्स. नेक्स्ट, नाउ मैग्नीशियम अगेन, मैग्नीशियम इज 12, एटॉमिक नंबर, सो इट विल बी 2, 8, and 2. ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन एक साथ जाएगा तो ये बन जाएगा Mg2+, और Mg2+ में अगर मैं दो इलेक्ट्रॉन फिर से मैं ला दूँ तो ये बन जाता है Mg. तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8, 2 इन केस ऑफ मैग्नीशियम, एंड इन केस ऑफ Mg2+ इट इज 2, 8, एंड इफ आई विल बी एडिंग 2 इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ Mg2+, इट विल अगेन बिकम Mg, मैग्नीशियम. ओके, सो नाउ दिस इज पर्टिकुलर ऑफ मेटल्स, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं मेटल्स बिकॉज दे लूज वन इलेक्ट्रॉन टू बिकम पॉजिटिव, यानी कि कैटायन बनाने के लिए. एट द सेम टाइम व्हाट इज नॉन मेटल्स, व्हाट आर नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स गेन द इलेक्ट्रॉन्स एंड दे बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एंड दे बिकम नेगेटिव आयंस. ओके, सो द नॉन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, एनायन बन जाते हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. ओके, सो द एग्जाम्पल इज एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17. नाउ कैन टेक एन एग्जाम्पल, क्लोरीन का होता है 17 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 2, 8, 7. ठीक है, 2, 8, 7 हो गया. अब इसका वैलेंस जो है 7,
बैलेंस किसको बोलते हैं? बैलेंस उसको बोलते हैं जो लास्ट आपकी पर्टिकुलर शेल में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना रह गया? 7। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक पर्टिकुलर 7 है इसका बैलेंस। तो यहाँ पे क्या करने से मेरे को क्लोरीन बच जाएगा? ये तो ऑलरेडी क्लोरीन आयन है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोरीन है, अब मेरे को 17 है, तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को फुल चाहिए इन ऑर्डर टू बी इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। तो मैं क्या करूँगी? मैं गेन करूँगी। तो अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो आई एल बी हैविंग द फुल स्ट्रेंथ, दैट इज 288। सो वट आई एल बी डूइंग इन दिस पर्टिकुलर केस, आई एल बी गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन एंड बिकम नेगेटिवली चार्ज, दैट इज एन आयन, आई एल बी बिकमिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो यहाँ पे मेरे को अगर एक ही एलिमेंट मिल जाए, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो मेरे का शेल कंप्लीट और 288 मिल जाएगा, और मैं क्या बनाऊंगी? क्लोराइड आयन, दैट इज Cl-। ओके, आप इसको कैसे कर सकते हो? बहुत ज़्यादा लिख के, ठीक है, आप लिखना शुरू करो इसको, ये हो जाएगा इजीली, ठीक है। नाउ ये वाला फिर से देखो, Cl जैसे कि है, Cl एक था, ठीक है, उसमें टू उसका एटॉमिक नंबर था 17, दैट इज़ 287। अब मेरे को फुल शेल अगर करना है तो बस मेरे को एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब मैंने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो मैं बन गई Cl-, यानी मेटल में इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो रहा है बिकॉज इट्स लूजिंग वन, एंड इन नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है बिकॉज इट्स गेनिंग वन। ओके, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अब 288 हो गया। अब इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं, यहाँ पे देखो गिनो कितना है? पिंक वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इज इट 16? 3 5 3 5 10, ओके इट्स 16 इंस्टेड ऑफ 17, ओके वन इज मिसिंग, ठीक है। यहाँ पे 5 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18, अच्छा हाँ यहाँ पे एक मिसिंग है। तो यहाँ पे आप एक पिंक गोल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, आप देख रहे हो अलग अलग पर्टिकुलर, ऐसे पिक्चर होता है एक्चुअली एटम्स में। तो ये पर्टिकुलर जो है आपके आपका इलेक्ट्रॉन्स है 17, जो कि 16 है बट 17 होना चाहिए, एक मिसिंग है, ठीक है। ये मैंने इंटरनेट से पिक्चर लिया है। तो यहाँ पे 287 हो गया। तो यहाँ पे मुझे एक बस इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि मेरा आउटर शेल में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे आउटर शेल में देखो, अंदर वाले शेल में 2 होगा, ठीक है, उसके बाहर वाले शेल में 8 होगा, उसके बाहर वाले शेल में 7 होगा। तो बस एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो 8, और गेन इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस। ओके, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। नाउ हाउ NaCl वर्क्स, सी, सोडियम का जो है Na+ होता है, यानी एक Na+ का मतलब कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव, सोडियम इज अ मेटल, क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। अब मैं एक मेटल और नॉन मेटल को कंबाइन कराऊंगी, वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो मेटल और नॉन मेटल को इफ आई एम कंबाइनिंग, तो आई हैव वन पर्टिकुलर एटम इन केस, वन पर्टिकुलर आयन दैट इज पॉजिटिव चार्ज है इन केस ऑफ मेरा सोडियम। तो मैं क्या करूँगी, यानी कि मुझे एक की ज़रूरत है, राइट, Na+ है। तो मैं क्या करूँगी, क्लोरीन के पास कितना है? 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं जो मेरा सोडियम था Na था और Cl- था, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैं मेरे को ऐसे ही सोडियम का कितना होता है बताओ, सोडियम का कितना होता है? एक ही चार्ज उसका एक्स्ट्रा हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि मेरे पास 7 शेल है इन केस ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि सोडियम से एक ले लूँगी ताकि मेरे को 8 हो जाएगा। तो मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव NaCl- बन जा रही हूँ, और मेरा सोडियम एक दे रहा है तो Na+ हो जा रहा है, ठीक है। फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर, आपको एटॉमिक नंबर मिनिमम 30 तक याद रखना है, सो दैट आप उसका वैलेंस ही निकाल सकते हो, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपने याद कर दिया, आप आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हो, एंड देन यू कैन प्लॉट दिस पर्टिकुलर डायग्राम, या फिर आप पर्टिकुलर बैलेंसेज निकाल सकते हो वेरी इजीली। फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर याद आ गया तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख दोगे, उसके बाद आप इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव आराम से कर यू कैन फाइंड आउट विच वन इज पॉजिटिव एंड विच वन इज नेगेटिव एंड हाउ टू राइट इट, ओके। एंड इट कैन ओनली बी डन इफ यू रिमेंबर द एटॉमिक नंबर एंड यू नो हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इन द शेल ऑफ SpDnF, ओके। सो 288-16 के थ्रू में यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक 288 के थ्रू में यू हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। एटॉमिक नंबर याद कर लो, एटॉमिक नंबर याद कर लोगे तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हो, उसके बाद आप कौन सा कितना आइटम देख के उसको फुल शेल बना सकते हो और कौन सा लूज करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, यू कैन ईजी राइट इट, ओके। यहाँ पे एक देखो लिखा है, आयनिक कंपाउंड्स आर टू और मोर एलिमेंट्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्शन, वेरी राइट, आपको पता है ये बात, ठीक है। अब मैग्नीशियम देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12, ऑक्सीजन का 8,
एज वी नो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बैलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम H2N, राइट। मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, तो मैं MgO बनाऊंगी, एक मेटल और एक नॉन मेटल को कंबाइन करके आई विल बी मेकिंग। नाउ मेरे को एटॉमिक नंबर पता चल गया, मैग्नीशियम का 12 मैं जानती हूँ और ऑक्सीजन का 8 मैं जानती हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मैं शेल में लिखूँगी 28, क्या हो गया 282, राइट। और यहाँ पे क्या हो गया, यानी 282 लास्ट शेल में दो है, यानी Mg2+ चार्ज है। नाउ ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन में 8 यानी कि 2 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे दो कम है, ठीक है, दो कम है, यानी कि मेरे को दो ज़्यादा चाहिए यहाँ से, और यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, 282 है, दो कम चाहिए, ठीक है। तो मैं यही, मेरी इसको दो की ज़रूरत है और इसको दो नहीं चाहिए, Mg दे देगा इसको, ये बन जाएगा Mg2+, ये बन जाएगा O2-, राइट। सो दिस इज द वे थ्रू विच दे बॉन्ड, एंड द ओनली वे ऑफ नोइंग इट इज बाय रिमेंबरिंग द एटॉमिक नंबर एंड देन knowing how to write the electronic configuration, और उसी से आप particular ionic points बना सकते हो। Got the point? ठीक है ना, समझ आ गया ना, it's very easy. So this is a bit tricky one. So what we learned reactivity series of metals. Reactivity series of metals का मतलब ये है कि कौन सा metal कितना ज़्यादा reactive है, उसको आप decreasing order में लिखना होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा reactive से less reactive. And how you can remember this? This is, you can remember through that of this particular fun learning, that is, please stop calling me a Kel Zebra, instead try learning how copper saves gold. So aap aise kuch apne se abbreviation and all bana ke you can remember the reactive series. To kaun yahan pe zyada reactive hai, potassium sodium, that's why they're stored in case of kerosene, because if they will come in contact with that of atmospheric oxygen, they will catch fire. Okay, potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, carbon, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, copper, silver, gold. Got it? Very easy. Next. Now metals or non-metals कैसे react करते हैं? Metals जो होते हैं वो positive charge होते हैं, ठीक है? तो ये क्या करते हैं? Electrons lose करके positive ions बनाते हैं and they are known as electropositive elements. Whereas in case of non-metals, they lose electrons and become negative ions, that is ion, anion, and they become electronegative element. तो उसके लिए आपको पहले atomic number याद रखना पड़ेगा. Atomic number के बाद आप electronic configuration लिखो SPDF के form में. उसके बाद आप अगर आपके पास अगर आपको lose करना है तो you become मेटल दैट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव, एंड आप गेन करें तो आप बन रहे हो इलेक्ट्रो नेगेटिव. ओके, नाउ सो दिस इज एक्चुअली द वे थ्रू विच यू कैन पेनिट. ओके, सो उसके लिए एक ही मंत्र है कि आपको मेटल्स का नाम एंड ऑल सब याद रखना पड़ेगा. यू हैव टू रिमेंबर द पीरियडिक टेबल दैट आई हैव टॉट यू, ठीक है. आप पीरियडिक टेबल याद कर लो, ठीक है. 30 तक आप मेटल्स और नॉन मेटल जितने भी नाम है उनको याद कर लो इन सीरीज, तो उसी हिसाब से आप एटॉमिक नंबर जान जाओगे. एटॉमिक नंबर जान जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आ जाएगा, दैट इज 2882 एंड ऑल. ओके, दिस फॉर्म यू कैन रिमेंबर. तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, देन यू कैन फाइंड इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स वेन एवर यू आर फॉर्मिंग कंपाउंड्स. ओके, सो दिस इज अ वे थ्रू विच यू कैन राइट इट, ठीक है. तो दिस इज योर फोर्थ सेशन. ओके, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का ये आपका चौथा सेशन है. आई एम होपिंग दैट यू नो हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द शेल, दैट इज SP, D, and F. ओके, तो इफ़ यू हैव 8, अगर आपको P में सपोज 7 है, ठीक है, तो आप 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करोगे तो आपको फिर फायदा नहीं, आपको बहुत एनर्जी लॉस हो जाएगा. पर अगर आप 8 गेन कर लोगे तो क्या होगा, आप इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाओगे. सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट, देर इज़ नो शॉर्टकट्स ऑफ एनीथिंग इन लाइफ. ओके, the shortcut road never lead anywhere. So you have to remember the valencies, you have to remember the particular, और जो last shell होता है वही valency होता है, ठीक है. तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है. आपको atomic number याद रखना है, आपको electronic configuration लिखने की practice करनी है, बहुत सारे 30 तक लिखने की practice करो, and उसके बाद आप you start making compounds. Okay, कि कौन positive हो रहा है, कौन negative हो रहा है. I'll be giving you some questions so that will be easier for you to remember. Okay, the practice makes a man perfect as all of us know. So you keep practicing. Okay, and if you have got any doubt regarding this particular chapter, let me know in the comment section below. I'll definitely answer. And
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बट फिर भी आपको यही एक चीज़ करना है, आपको एटॉमिक नंबर याद करना है 30 तक, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना प्रैक्टिस करना है, ठीक है। उसके बाद भी आप आयनिक कंपाउंड्स बना सकते हो। सो टेक इट एज अ टास्क, ओके, आफ्टर जस्ट सीइंग दिस पर्टिकुलर वीडियो यू डू वन थिंग, यू राइट द एलिमेंट्स फ्रॉम 1 to 30, राइट द एटॉमिक नंबर्स, एंड देन स्टार्ट मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका राइट करो, ठीक है, लिखो उसको। उसके बाद फिर आप आयनिक कंपाउंड्स एक एक करके, कोई भी रैंडम आयनिक कंपाउंड जिसका आप नाम जानते हैं उसको लिखो, ठीक है। इट विल वेरी इजी फॉर यू एंड इट विल बी अ ब्रेन ब्रेन प्रैक्टिसिंग टाइप का शॉर्ट ऑफ होगा, इट्स विल बी अ रिविजन मंथ फॉर यू, ओके। सो इसी से अगर आप अभी से करोगे तो इन फर्दर क्लासेस विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि फर्दर 11th 12th में बहुत ही हैवी हो जाएगा ये, अलग ही लेवल का। तो यहाँ से अगर आपका बेस क्लियर नहीं रहेगा देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिमेंबर एनीथिंग, okay. So I hope that you like today's class, and if you do like it, you can like, share and subscribe this video. And agar aapne previous to koi video nahi dekha hai to aap jaakar playlist mein dhoond ke dekh sakte hain, theek hai. And if you have any doubt, you can let me know in the comment section below, I'll answer. Till then, I wish you good luck, and I'll be seeing you in the next class with a new part of this chapter, okay. Until then, have a good day and keep smiling. Bye.